गुड आफ्टरनून दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 24 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसका पहला क्वेश्चन है, विद्युत सेल का कार्य क्या है? तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। दूसरा क्वेश्चन है, एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? तो एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। तीसरा क्वेश्चन है, मानव श्रवण का प्रास क्या होता है? तो मानव श्रवण का प्रास 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। चौथा क्वेश्चन है, अगर बल को दुगना कर दें तो यदि बल को दुगना और क्षेत्रफल को आधा कर दें तब दाब कितना होगा? तो हमें पता है कि दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल को दुगना कर दें और क्षेत्रफल को आधा कर दें तो बल जो दाब है वो 4 गुना हो जाएगा दिए गए फॉर्मूले से। पाँचवा क्वेश्चन है, लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम में डालने पर क्या होगा? जब हम लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम में डालेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। छठा क्वेश्चन है, सूर्य से ग्रहों का क्रम क्या है दूरी से? तो सूर्य से बुध सबसे पास में, फिर उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो इसका सही क्रम होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सातवां क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है, उसका प्रतिबिंब आभासी होता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। आठवां क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग कौन सा होता है? तो यौन संचारित रोग गोनेरिया होता है। नवा क्वेश्चन है, काली खांसी का रोगवाहक होता है? तो काली खांसी का रोगवाहक पर्टुलिस होता है। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन विधि द्वारा जनन? तो मुकुलन विधि द्वारा जनन हाइड्रा में देखा जाता है, मतलब कि हाइड्रा में मुकुलन होता है। 11 क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी वस्तु शामिल नहीं होती है? तो इसके 4 ऑप्शन थे, ऑक्सीजन, CO2, पानी और पर्णहरित। तो इसमें से प्रकाश संश्लेषण में हमारी ऑक्सीजन गैस काम में नहीं आती है, अतः इसका उत्तर ऑक्सीजन गैस होगा। 12 क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन का पायरिक अम्ल में टूटना किस कारण होता है? तो ग्लाइकोजन का पायरिक अम्ल में ग्लाइकोलिस के द्वारा टूटता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? तो सर्वाधिक ऊष्मीयमान हाइड्रोजन का होता है, क्योंकि सूर्य का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है और सूर्य में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, इसलिए सर्वाधिक ऊष्मीयमान हाइड्रोजन का होगा। 14वां क्वेश्चन है, विटामिन डी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स होता है, जिसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, इसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। और विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, चावल की डंडी से चावल को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो चावल की डंडी में से चावल को अलग करने के लिए थ्रेसिंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु परिपक्वन के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? तो अपना ऑप्शन, इन 4 ऑप्शनों में से FCH अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय यूकेरियोट्स किस समूह का होता है? तो इसमें से 4 ऑप्शन थे, फंजाई, प्लांटी, मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक किस समूह का है? प्रोटिस्टा का। अम्ल वर्षा से संबंधित गैस कौन सी होती है? तो अम्ल वर्षा से संबंधित गैस हमारे दिए गए ऑप्शनों में से SO2 है। अगला क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर किस कैलामाइन का उपयोग किया जाता है? अगर हमें चींटी काट देती है तो उसके उपचार के लिए किस कैलामाइन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है जिंक कार्बोनेट, अर्थात चींटी के काटने पर जिंक कार्बोनेट कैलामाइन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से हैं? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आते हैं बेकेलाइट और मेलेमाइन। अगला क्वेश्चन है, समुद्र से नमक प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यानी कि समुद्र से हम नमक किस विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है वाष्पन द्वारा, अर्थात वाष्पन द्वारा हम समुद्र से नमक प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शनों में से मक्का खरीफ की फसल है, अर्थात मक्का खरीफ की फसल में आता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत ग्रंथियों का प्रकार कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शनों में से एपोक्राइन श्वेत ग्रंथियों का एक प्रकार है। तो सभी दोस्तों अपने YouTube चैनल से आंसरों का मिलान कर लीजिए और बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।